हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 19, असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। तो मैं सबसे पहले आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद हम असाइनमेंट के टाइप्स देखेंगे और सबसे लास्ट में हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम्स भी करेंगे। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू। इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, और असाइनमेंट के लिए हम सिंपल सा सिंबल यूज करेंगे इक्वल्स टू। मैं आपको और एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा ए इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्टोर कर देगा लेफ्ट में, मतलब 10 कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ए में। सपोज मैं और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इस यहाँ पे सबसे पहले ए और बी की एडिशंस हो जाएगी, और एडिशंस होने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर उस एडिशन को स्टोर कर देगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब सी में। सिंपल सा फंडा है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, सिर्फ राइट हैंड साइड को स्टोर कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। आप इस असाइनमेंट के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। इसके साथ भी आप असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट मतलब इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं। और जब भी आप असाइनमेंट के साथ इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे कहेंगे असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं इसका भी मीनिंग आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं ए प्लस इक्वल्स टू बी, मतलब यहां पे मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया प्लस और इक्वल्स टू। तो जब भी आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो ऐसे समय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और रिजल्ट स्टोर होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी की एडिशंस होगी और रिजल्ट स्टोर होगा ए में। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ सी इंटू इक्वल्स टू डी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी और डी में मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट स्टोर होगा सी में, लेफ्ट हैंड साइड में। मैं और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू और 10 दोनों में एडिशंस हो जाएगी और रिजल्ट स्टोर होगा x में। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का एक टेबल दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू भी है और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी है। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। इसके लिए मैं टर्बो सी को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम करता हूँ, सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड फाइल हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन। मेन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ clrscr, और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। यहाँ पर मैं पांच वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि हमें पांच ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकें। पहला वेरिएबल a, उसमें वैल्यू 10, सेकंड वेरिएबल b, उसमें वैल्यू 20, थर्ड वेरिएबल c, उसमें 30, d में 40 और लास्ट e में 50। तो मैं वन बाय वन ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता हूँ। पहले हम एडिशंस को करेंगे, तो मैं यहाँ पे ए प्लस इक्वल्स टू 10 को लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू और 10 दोनों में एडिशंस परफॉर्म होगी और रिजल्ट स्टोर होगा ए में। अगर मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ तो ए में मुझे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 20/n वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी और कॉमा ए, तो ए में हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 20। अब मैं बी के ऊपर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, बी माइनस इक्वल्स टू 20, प्रिंट एफ
डबल कोट स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी परसेंट डी कॉमा बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू और 20 दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा बी में। तो बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 20, 20 माइनस 20 जीरो, तो बी में आंसर स्टोर हो जाएगा जीरो। वैसे मैं सी डी और ई पर भी परफॉर्म कर देता हूँ। सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 30 प्रिंट एफ डबल कोट न्यू लाइन के लिए स्लैश एन वैल्यू ऑफ सी परसेंट डी और हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं सी को कॉमा सी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू और 30 दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सी में कितनी वैल्यू है 30, 30 मल्टीप्लाई 30 तो 900, तो सी में हमें प्रिंट हो जाएगा 900। मैं डी पर भी ऑपरेशन कर देता हूँ। डी डिवाइड इक्वल्स टू 40 प्रिंट एफ डबल कोट न्यू लाइन के लिए स्लैश एन वैल्यू ऑफ डी परसेंट डी कॉमा डी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू और 40 में डिविजन्स परफॉर्म होगी। तो डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 40, 40 डिवाइड 40 आंसर आएगा 1। अब मैं लास्ट भी कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। ई मॉड इक्वल्स टू 50 प्रिंट एफ डबल कोट न्यू लाइन के लिए स्लैश एन वैल्यू ऑफ ई परसेंट डी कॉमा ई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू और 50 में मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मॉडुलस मतलब डिवीजन ही होगा लेकिन आउटपुट में हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो ई की वैल्यू कितनी है 50, 50 मॉड 50 रिमाइंडर 0 आएगा और 0 वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी ए में, ई में। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए 20, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 900, डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0। अब मैं आपको और एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, उस कोड को मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं दो ही वेरिएबल रखता हूँ ए और बी में, ए और बी, और यहाँ पर भी स्टोर कर देता हूँ 10। तो पहले मैं एडिशंस परफॉर्म करता हूँ। ए प्लस इक्वल्स टू 10, सॉरी ए प्लस इक्वल्स टू बी, और ए को प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ डबल कोट स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी कॉमा ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी में एडिशंस परफॉर्म हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 20 और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा ए में। तो हमारा रिजल्ट आएगा 20। अब उसके बाद मैं सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ ए माइनस इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर भी मैं बी को प्रिंट कर देता हूँ स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी कॉमा ए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ए और बी मतलब 10 10 इसमें सब्सट्रैक्शन होगा और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा ए में। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आउटपुट आएगा 0, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ए में 10 वैल्यू स्टोर की थी, लेकिन इस लाइन में ए की वैल्यू अपडेट हो गई और वो कितनी अपडेट हुई थी 20। तो यहाँ पे ऑपरेशंस होगा 20 माइनस 10। ए की वैल्यू हम 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 20 को कंसिडर करेंगे। तो 20 माइनस 10, तो ए की वैल्यू फिर से हो जाएगी 10। अब हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 20 और 10। जब भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो ऐसे समय जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, जो भी अपडेटेड वैल्यू है, उसी पर ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए, ना कि ओल्ड वैल्यू पे। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।